वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। वीडियो नंबर टू सेकंड चैप्टर, वीडियो नंबर टू सेकंड चैप्टर उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर में हमने उपभोक्ता उपभोक्ता का उद्देश्य, उपयोगिता के जो गणनावाचक और प्रवाचक दृष्टिकोण थे, वो गणनावाचक दृष्टिकोण की जितनी भी मान्यताएं थी वो सारी मान्यताएं पढ़ ली थी। उपयोगिता के जो माप थे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसका मैंने बोला था कि अगले वीडियो में दिन करेंगे, उसका दिन आज करेंगे। इसके अलावा उपयोगिता और संतुष्टि, इन सब का अध्ययन हमने कर लिया था। आज से का जो वीडियो है उसमें सेकंड चैप्टर है और उसमें है उपयोगिता का माप। उपयोगिता का माप, उपयोगिता का माप दो प्रकार से किया जाता है। उपयोगिता का माप दो प्रकार से किया जाता है, एक होती है कुल उपयोगिता और दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी कहते हैं और सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसलिए मैंने कुल उपयोगिता के साथ पीयू लिखा है और सीमांत उपयोगिता के साथ मैंने एमयू लिखा है, ठीक है। और आगे मैं लिखूंगा तो पीयू और एमयू लिखूंगा, आप समझना कि पीयू का मतलब होता है कुल उपयोगिता और एमयू का मतलब होता है सीधा लोगों के, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, यानी एक दिए हुए समय में, एक दिए हुए समय में एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से जो उसको संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता जब एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करता है तो विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले जो उपयोगिताओं का योग है वही कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे उपयोगिता का माप किया जाता है वो होता है टी यू, टी यू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, यहाँ चलेगा यू वन यू टू यू थ्री प्लस यू एन। तो इसका मतलब होता है यू वन का मतलब हो गया कि वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता, वस्तु की दूसरी इकाई के प्रयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता, U3 का मतलब हो गया कि तीसरी इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता, और UN का मतलब हो गया कि जो अंतिम इकाई है अपनी N वी इकाई है उससे प्राप्त कुल उपयोगिता, ठीक है। तो जो कुल उपयोगिता होती है वो एक दिए हुए समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयां जैसे U1, U2, U3, UN, इन इकाइयों से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसका योग ही क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। अर्थात टी यू का मतलब कुल उपयोगिता, यू वन का मतलब पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, यू टू दूसरी वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता। जैसे इस सारणी में हम देखते हैं तो इस सारणी में जैसे एक्स है वस्तु, टी यू एक्स है यानी वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता, और एम यू एक्स है वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। तो इस में देखते हैं तो देखो कि जब कोई उपभोक्ता पहली वस्तु का जीरो इकाई का प्रयोग करता है तो उसको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। यदि आप कोई आइसक्रीम नहीं खाओगे तो आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, कोई उपयोगिता आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप खाओगे आपको तुरंत संतुष्टि उपयोगिता मिलेगी। जब पहली इकाई का प्रयोग, जैसे मैं केले खाता हूँ तो पहले केले, एक केला खाने से मेरे को 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। जब दूसरा खाता हूँ तो 16 के बराबर, तीसरा खाता हूँ तो 20 के बराबर, चौथा खाता हूँ तो 22 के बराबर। इस प्रकार जैसे जैसे मैं वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे मेरी कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है। प्रारंभ में कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे देखो कि 10 के बाद में 16, 20, 22, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से, कौन सी दर से, घटती हुई दर से बढ़ती है। जैसे प्रारंभ में 10 बढ़ी, फिर 6 ही बढ़ी, फिर 4 ही बढ़ी, फिर 2 ही बढ़ी, फिर 0 बढ़ी, फिर घट गई। तो जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है वैसे वैसे उसकी कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। प्रारंभ में कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर एक उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होता है। जैसे दी गई सारणी में जब वह 5वीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी रहती है, 22 रहती है। यानी जब उसने 4 इकाई का प्रयोग किया तो भी उसको 22 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, और जब वह 5वीं इकाई का प्रयोग करता है तब भी उसको 22 के बराबर यूटिल्स प्राप्त होती है। अर्थात जब वह 4 इकाई तक प्रयोग करता है तब तो उसकी कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही वह 5वीं इकाई का प्रयोग करता है उसकी कुल उपयोगिता में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद में यदि 6ठी प्रकार की इकाई का प्रयोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता घट जाती है। अर्थात कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। दिए गए रेखाचित्र में जैसे ओ एक्स पर एक्स वस्तु की मात्रा और
ओ वाई एक्स पर वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को व्यक्त किया गया है। प्रारंभ में कुल उपयोगिता है, प्रारंभ में कुल उपयोगिता घटती हुई दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद में कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है और अधिकतम होने के पश्चात ये घट रही है। दी गई सारणी में विषय इसी प्रकार है कि प्रारंभ में जब एक उपभोक्ता 0 इकाई से 4 इकाई तक प्रयोग करता है तब तक उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये ध्यान रखना, कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है, यह अच्छी तरह से याद रखना। उसके पश्चात एक बिंदु पर यानी एक विशेष इकाई पर कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जैसे 5वीं इकाई का प्रयोग करता है तो 22 हो जाती है। उसके पश्चात 6ठी इकाई का प्रयोग करता है, कुल उपयोगिता घटती है। तो 0 से लेकर जब वह 5 इकाई तक प्रयोग करता है कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटती हुई दर से। 5वीं इकाई पर अधिकतम हो जाती है कुल उपयोगिता और उसके बाद में जैसे ही 6ठी इकाई का प्रयोग करता है कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात कुल उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होती है और घटती है। यहां से लेके यहां टी बिंदु मान लो, इसको कौन सा बिंदु, टी बिंदु। तो 0 से T बिंदु तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, टी बिंदु पर अधिकतम होती है और उसके पश्चात घटती है। तो 0 से 4 इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, 5 इकाई पे 4थी इकाई पे अधिकतम होती है और 6ठी इकाई पे ये घटती है। और दर कौन सी होती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। ये था कुल उपयोगिता। अब आ गया है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, यानी किसी दिए हुए समय में, किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के प्रयोग के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन की दरी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। आपको स्पष्ट परिभाषा ये लिखनी है, किसी दी हुए समय में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता का माप 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक तो कुल उपयोगिता की सहायता से और दूसरा है कुल उपयोगिता और वस्तु की मात्रा के अनुपात के द्वारा। अर्थात MUn बराबर TUn माइनस TUn माइनस 1, यानी कि MUn यानी nवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, यानी कि अंतिम इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस उससे पूर्व इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता एन माइनस 1। जैसे मैं लिख दूं कि एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु की 6ठी इकाई का प्रयोग करता है तो उसको 100 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। जब एक उपभोक्ता 6ठी इकाई का प्रयोग करता है तो उसको 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है कुल उपयोगिता, और जब वह 7वीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसको 107 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो मैंने क्या बोला कि एक दिए हुए समय में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी पहले 6 इकाई का प्रयोग करता था, अब एक अतिरिक्त इकाई 7वीं इकाई का प्रयोग किया, उसके फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना हुआ, 107 माइनस 100 कितने इकाई का, 7 इकाई का, वही क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता। जैसे MUn बराबर क्या होता है कि डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज यानी परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है कि टी डेल्टा TUn यानी nवीं इकाई कितनी है, 7 से कितना आ रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है, 7 का, ठीक है।
और इधर क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा क्यू में, एक का कितना आ गया 7/1 बराबर कितनी हो गई अपनी सीमांत उपयोगिता 7। इसी प्रकार कुल उपयोगिता की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कुल उपयोगिता एनवी का ही, एनवी का ही से प्राप्त कुल उपयोगिता कितनी है 107 माइनस इसके पूर्व की इकाई से प्राप्त उपयोगिता कितनी है 100, अंतर कितना आया 7। तो चाहे तो आप कुल उपयोगिता की सहायता से ज्ञात करो या कुल उपयोगिता और वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से ज्ञात करो, सीमांत उपयोगिता समान आती है। तो सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में, सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के स्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे देखो सारणी की सहायता से इसको समझ सकते हैं, सारणी में देखो कि जब जीरो इकाई का प्रयोग करता था तो टीयू भी जीरो थी तो एमयू भी जीरो थी, यानी अपने को पता ही नहीं कितनी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जैसे ही एक उपभोक्ता ने एक अतिरिक्त इकाई पहली इकाई का प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ 10-0, वो क्या होती है सीमांत उपयोगिता, यानी इन दोनों का अंतर कितना आया 10, वो क्या हो गई अपनी सीमांत उपयोगिता। जब उसने दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना हुआ इन दोनों में 6 का, कितना 6 का। जब तीसरी इकाई का प्रयोग किया तो परिवर्तन कितना हुआ 4, जब चौथी इकाई का प्रयोग किया तो परिवर्तन कितना हुआ 2, जब पांचवी इकाई का प्रयोग किया तो परिवर्तन कितना हुआ 0, जब छठी इकाई का प्रयोग किया तो परिवर्तन कितना हुआ -2। तो जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे 10, 4, 6, 2, 0 और फिर माइनस, फिर माइनस। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी होती है, शून्य भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होती है, घटती है। सीमांत उपयोगिता घटती है, शून्य होती है और ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात कुल उपयोगिता कभी ऋणात्मक नहीं होती, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो सकती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है। ठीक है, दिए गए रेखा चित्र में, दिए गए रेखा चित्र में एम यू एक्स यानी एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और इधर है वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा संबंध देखो दोनों में, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी आपको ये सारणी दे देते हैं, सारणी में जैसे यहाँ पे आपको 20 नहीं दिया, यहाँ पे 0 नहीं दिया, यहाँ पे 6 नहीं दिया, यहाँ पे 16 नहीं दिया, तो आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 6 नहीं दिया, ये दे दिया 10 दे दिया 16 दे दिया, तो आपको मालूम है कि ये 10 आ गया तो इनमें परिवर्तन होगा वो यहाँ आएगा। इसमें 4 दे दिया लेकिन 20 नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 20 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। इस प्रकार से सारणी को ज्ञात करनी आ सकती है, इसमें 4 वैल्यू मिसिंग होगी, वो चारों वैल्यू अपने को इसमें पुट करनी होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। अब देखो संबंध कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन नहीं आया था उसे, लास्ट ईयर भी नहीं आया था उसे, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 6 नंबर में कि उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में रेखा चित्र व सारणी की सहायता से संबंध बताइए। तो ये सारी प्रोसेस आपको इसमें बतानी है, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं परिभाषा, उपयोगिता की परिभाषा, ठीक है, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के जो फॉर्मूले हैं वो, उसके बाद में सारणी और सारणी की सहायता से रेखाचित्र, ये आपको स्पष्ट करने पड़ेंगे। देखो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, पहले हम रेखाचित्र की सहायता से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध देखते हैं। जब कुल उपयोगिता ओ बिंदु से टी बिंदु तक घटती हुई दर से बढ़ती है, कौन सी दर से, घटती हुई दर से बढ़ती है, जब रेखाचित्र एम है, रेखाचित्र एम है कुल उपयोगिता ओ से टी बिंदु तक घटती हुई दर से बढ़ती है, तब तक सीमांत उपयोगिता ए से, और ये बी बिंदु है,
जब तक कुल उपयोगिता ओ से टी बिंदु तक घटती हुई दर से बढ़ती है तब तक सीमांत उपयोगिता ए से और बी बिंदु तक क्या होती है, धनात्मक होती है। तात्पर्य ये नहीं रहे घट रही है, आपको बताना है धनात्मक होती है, बिल्कुल घट रही है, 10 से 6, 4, 2, 0 घट तो रही है लेकिन है कैसी है, धनात्मक। तो जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है, पहला संबंध। दूसरा संबंध है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है टी बिंदु पर तब सीमांत उपयोगिता बी बिंदु पर क्या होती है, शून्य होती है। तीसरा संबंध है कि जब कुल उपयोगिता टी बिंदु के पश्चात घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखना जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। इस रेखा चित्र में आपको 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि जब कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक होती है। बस ये चीज ध्यान रखना है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। तो इस प्रकार आपको इसमें किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है उपभोक्ता की संतुष्टि, तो एक उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, यानी इस बिंदु पर एक उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग करेगा, क्योंकि इससे पहले यदि प्रयोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और घटती भी है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। आपको भी यदि किसी वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता चाहे पहले ज्यादा बढ़े फिर उससे धीरे कम बढ़ेगी फिर कम बढ़ेगी फिर कम बढ़ेगी, लेकिन टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग तब तक करेगा जब तक उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। किस बिंदु पर संतुष्टि अधिकतम प्राप्त करेगा, जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त कर रहा है उसको अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, और इसी बिंदु पर क्या होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है कुल उपयोगिता की सहायता से, क्योंकि इस यह बिंदु वह बिंदु है जिस पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अर्थात इसके बाद में यदि आप किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करोगे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो एक उपभोक्ता ओ से एक्स वन या ओ से बी पॉइंट तक वस्तु का प्रयोग बढ़ाता जाता है, बी के बी बिंदु पर एक उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, अर्थात जब किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसकी संतुष्टि होती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद में वो वस्तु का प्रयोग नहीं करता है। जैसे आप किसी शादी में जिमने के लिए जाते हो और जिमते समय आपने अच्छी तरह से पेट भर लिया, और पेट भरने के पश्चात आप निकलते टाइम पर ये भी सोच लेते हो कि एक आइसक्रीम तो और खा लेते हैं, हो सकता है गेट से बाहर निकलते ही वापस आ जाए, तो हो सकता है उसके साथ गया था पहले वाला वो भी वापस आ जाए। तो इसी प्रकार ये है कि एक बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है, वही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु और पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। आ सकता है पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य, कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम, पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर क्या होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य, कुल उपयोगिता अधिकतम, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के पश्चात सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक, और पूर्ण संतुष्टि के बिंदु से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक। ठीक है, ये था अपना कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं, किस प्रकार से इसमें संबंध है, सारणी और रेखा चित्र। सारणी में देखो यहां से लेके यहां तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, घटती हुई दर से उसमें बढ़ रही है, पांचवी इकाई से अधिकतम हो जाती है, अधिकतम उस बिंदु पर होती है, किसी वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता अधिकतम उस बिंदु पर होती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर रहे लेकिन करोगे क्लास में आओगे तब कि सर चौथी इकाई से प्राप्त करते हैं तब भी तो 22 हो रही है, नहीं, इसके पश्चात प्राप्त ये पांचवी इकाई का प्रयोग करते हैं तो भी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, कितनी, शून्य बढ़ रही है, शून्य भी क्या है अपने आप में, धनात्मक है।
और पूर्ण संतुष्टि उसी बिंदु पर प्राप्त होती है जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इसलिए पांचवी हो सकता है आपको ये सारणी देखिए एक नंबर में पूछ ले कि दी गई सारणी में एक उपभोक्ता कितनी इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो कुल उपयोगिता आपको कंफ्यूज हो गए चार और पांच में। ध्यान देना कि जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस बिंदु पर यह अधिकतम होती है, न कि चार पे, क्योंकि इसपे सीमांत उपयोगिता क्या है शून्य। आधार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। दो रेखा चित्र अलग अलग बना रखे हैं ए और ब, ये कुल उपयोगिता वक्र है, ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। कुल उपयोगिता बढ़ती है अधिकतम होती है घटती है, ऋणात्मक नहीं होती। सीमांत उपयोगिता घटती है शून्य होती है, ऋणात्मक भी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए चाहे एक नंबर चाहे दो नंबर चाहे चार नंबर छह नंबर, आज वाला जो वीडियो है इससे 100% आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एक नंबर में आ जाए चाहे दो नंबर में आ जाए चाहे छह नंबर में आ जाए चाहे चार नंबर में आ जाए, लेकिन 100% है आज वाले टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर के दो वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो और डालेंगे और उसके बाद में आपकी लाइव क्लास होगी बुधवार को, उसमें आप ये देख। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास वीडियो नंबर 3 में देखें।